नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिकारण। सबसे पहले खास खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। राजस्थान से दिल्ली रवाना हुए किसान, प्रशासन ने दुदू के आगे महला में उन्हें रोका। केंद्र से चना खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं किसान। किसानों ने सोशल मीडिया पर चलाया ऑनलाइन अभियान, कर्जा मुक्ति पूरा दाम हैशटैग के साथ रखी अपनी मांग। हर महीने की 6 तारीख को मांग ना पूरी होने तक चलेगा अभियान। अब केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ उतरा राष्ट्रीय किसान महासंघ। अध्यादेशों को असंवैधानिक बताकर वापस लेने की रखी मांग। कहा इसके जरिए MSP खत्म करना चाहती है सरकार। और भारत में जुलाई के महीने में बढ़ा टिड्डी हमले का खतरा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन FAO ने जारी किया अलर्ट। कहा अगले 4 हफ्तों में बढ़ेंगे टिड्डी दलों के हमले। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के किसानों ने किसान महापंचायत की अगुवाई में दिल्ली आने के लिए वो डटे हुए हैं। ये किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि चना खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसदों को पत्र लिखे गए, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो दिल्ली कूच करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। किसान 5 जुलाई को ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें महला इस जगह पर रोक लिया है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने चने का खरीद का लक्ष्य नहीं बढ़ाया तो उन्हें खुले बाजार में प्रति क्विंटल 1000 से 1200 रुपए का घाटा उठाना पड़ेगा। किसानों ने कर्जा मुक्ति और पूरे दाम के लिए ऑनलाइन अभियान भी चला रखा है। सोमवार को शाम 4 बजे से किसानों ने कर्जा मुक्ति पूरा दाम हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की अगुवाई में ये ऑनलाइन अभियान 6 जून से शुरू हुआ है। इसके तहत किसान हर महीने की 6 तारीख को कर्जा मुक्ति और फसलों की C2 लागत का 1.5 गुना दाम देने की मांग करते हैं। किसानों ने 6 तारीख को इसलिए चुना है क्योंकि इसी दिन साल 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 किसानों को पुलिस फायरिंग में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह आंदोलन भी कर्जा मुक्ति और फसलों के सही दाम के लिए था। किसानों ने केंद्र सरकार पर आत्मनिर्भर राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। जो 3 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं वह भी किसान मारू साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने किसानों के सुधार की बात की है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस किसानों के लिए घातक और मारू साबित होंगे। और साथ ही उन्होंने जो पार्लियामेंट में आने वाले सेशन में बिजली संशोधन बिल लाने की बात की है, इससे तो किसान और भी मारा जाएगा। तो ट्विटर पर एक्शन किसान कर रहे हैं, कर्जा मुक्ति पूरे दाम को लेकर ये उनकी मांग है। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं VM सिंह, जो कि संयोजक हैं ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के। VM सिंह जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताएं कि पिछली बार जब आपने ये ट्विटर एक्शन किया था, 6 तारीख को इसकी शुरुआत की थी, 6 जून को, और तब से अब तक जो खेती किसानी के मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा गहरा गए हैं। चाहे आप MSP तो घोषित हुआ, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से डीजल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, जो इनपुट्स हैं, खाद ले लीजिए, बीज ले लीजिए, लेबर की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, तो ये तब से अब तक इस एक महीने में समस्या और ज्यादा गहरा गई है। तो इस बार जब आज ये ट्विटर एक्शन हो रहा है और नौजवान अपने ट्वीट्स भेज रहे हैं, तो किन किन मुद्दों की तरफ आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है, ये तीसरी बार है। पहले मई में हुआ, फिर जून में हुआ, फिर अब हुआ। दोनों बार का ट्रेंड हमने किया केवल दिखाने के लिए मोदी जी को और देश को कि किसान, जिसे आप कहते हो बेवकूफ नहीं है, अनपढ़ नहीं है, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं, मौके की तलाश में है केवल, और टॉप ट्रेंड कर सकते हैं हम लोग भी, और इसलिए बार बार जो गूंज जाएगी उनके कानों के अंदर, हम बता रहे मोदी जी को, वित्त मंत्री को, कृषि मंत्री को, कि हमारी दिक्कतें जो है कर्जा मुक्ति पूरा दाम इसको दूर करिए। क्यों? क्योंकि आज की तारीख के अंदर हम पे इतना कर्जा हो गया है कि आपने बार बार जो है MSP को कंट्रोल में रखा, जो MSP जो थी स्वामीनाथन की, आपने कभी देने की बात तक नहीं करी, आपने कह दिया हमने दे दिया,
पर कैसे दे दिया, कहाँ दे दिया, किसी को मालूम नहीं आज तक। और जो आपकी एमएसपी है उससे भी आज आधा बिक रहा है। 1760 का 800 साढ़े 800 900 में बिक रहा है। हर चीज आप ले लें, उड़द ले लें, मसूर ले लें, कनक ले लें, गेहूं ले लें, आप धान ले लें, जिस चीज का आप लेना चाहें आप ले लें। आपकी जो एमएसपी है, सरकारी एमएसपी है, स्वामीनाथन छोड़ दीजिए, उससे कम हमें रेट मिलता है, इसलिए तो कर्जा होता है। और जब कर्जा हम वापस कर नहीं पाते हैं तो आप क्या करते हो, कोरोना आ जाता है, कोरोना में राहत देने के बदले आप और कर्जा हमें दे देते हो। इस शक्ल में किसान क्या करे? आपको मालूम है ना कि आंदोलन नहीं कर सकता कोरोना के अंदर। ये किसान तो वो है जिसने साहस से कोरोना के अंदर, महामारी के अंदर बाहर निकल के अपनी गेहूं काटी, सरसों काटी, चना काटा, देश का भंडारण भरा। ये जो किसान है वो किसान सीख गया है आज लड़ाई करना। अब आंदोलन जो होगा डिजिटल होगा और किसान स्ट्राइक करेगा पीएमओ के ऊपर, कृषि मंत्री के यहाँ, और आपका जो वित्त मंत्री है उनसे कहेगा कर्जा मुक्ति पूरा दाम हमें चाहिए। क्यों? प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था पूरा मुक्ति करेंगे कर्जे का, उनने कहा था स्वामीनाथन देंगे, आपने जब नहीं किया किसान बर्बाद हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर होना है लोगों को, देश को, और वहीं किसान आत्महत्या कर रहा है। ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इसलिए ये ट्विटर के माध्यम से जो आज डिजिटल स्ट्राइक होगी, 3 बार हो चुकी है, ये तीसरी बार है, नहीं समझेंगे, चौथी बार होगी, पांचवी बार होगी, हर छह तारीख को होगी, क्योंकि 6 तारीख को मंदसौर के जो बच्चे थे वो शहीद हुए थे कर्जा मुक्ति पूरा दाम पे, अखिल भारतीय किसान संघ समन्वय समिति और जितने संगठन हैं। सर ये बताएं कि आपको ये तरीका, ये डिजिटल एक्शन जो ये है, इस ये कितना कारगर लगता है, क्योंकि इससे पहले भी इतने आंदोलन हुए, इतने विरोध प्रदर्शन के सुर तेज हुए, कितने ही सालों से किसान संगठन सड़क पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मांगों को अनसुना किया गया। अब ये जो डिजिटल माध्यम है उन तक बातें जरूर पहुंचेंगी, मगर आपको कितनी गुंजाइश लगती है कि आपकी बातें सुनने के बाद वो उस पर कोई एक्शन लेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए ये जो सरकार है ये डिजिटल और स्ट्राइक की बात करती है। जितनी लड़ाइयां आपने लड़ ली है, एक सर्जिकल स्ट्राइक आज तक हम सुनते आ रहे हैं। वैसे ही हमने जितने आंदोलन कर लिए हैं, लाखों किसान दिल्ली आ गए हैं, आज जब नौजवान खड़ा होकर और उसने जो है संभाल लिया है मोर्चा और वो स्ट्राइक कर रहा है ट्विटर के माध्यम से जी। तो ये जो स्ट्राइक है ये मेरे ख्याल से इनके कानों में गूंजेगी। जब मिलियन हो जाएंगे ट्वीट्स तो क्या करेंगे, ये देश देखेगा, विदेश देखेगा, सरकार को कहीं ना कहीं हिलना पड़ेगा, हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये आंदोलन का नया रूप है, डिजिटल आंदोलन है और ट्विटर स्ट्राइक है ये जी। वीएम सिंह जी, आप हमेशा इस बात को रखते रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति हो रही है कृषि की इस देश में, वो भी कृषि प्रधान देश में, तो एक किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता। अब जब आप ये ट्विटर एक्शन की कॉल है, तो कितने यंगस्टर्स, कितने वो किसान के बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कितनी उनकी नॉलेज है इस चीज़ को लेकर, क्या जो ये 3 कृषि अध्यादेश हैं इनके बारे में, इनसे जो खतरों का अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या उन्हें वो इसके बारे में वाकिफ हैं, क्या स्थिति है नौजवान बच्चों की, खेती किसानी, किसान के बेटों की? देखिए जो ट्विटर एक्शन है ये बुजुर्ग लोग नहीं करते, जवान लोग नहीं करते, ये पढ़े लिखे हिंदुस्तान के नागरिक जो नौजवान हैं वो ही करते हैं। और लाखों ट्वीट तो आ रही हैं, आप समझिए कि लाखों नौजवान जो खेती में आना नहीं चाहते थे, उनको मालूम है कि उनकी नौकरी पहले तो चले गई, उनकी नौकरी वहां पर नोटबंदी में बची खुची चले गई कोरोना में, अब उन्हें मालूम है कि इनके पास रास्ता नहीं है जीविका का, अब जीविका के लिए वो खेती में आना चाह रहे हैं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। और उन्हें मालूम है कि अगर हमें पूरा दाम मिल गया और पुराना कर्जा हमारा माफ हो गया क्योंकि जो गलती थी सरकार की, तो फिर हमारी जीविका तय हो जाएगी। इसलिए जो बच्चे हैं 95% में यूथ है, ये ट्विटर जो है ना, ट्विटर हैंडल जो है ये बुजुर्ग लोग नहीं चलाते हैं, ये नौजवान है, 95% यूथ है, और यूथ को मालूम है कि अपना हक कैसे लेना, अपना हक छीनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।
खेती से जुड़े केंद्र के अध्यादेशों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने सोमवार को पूरे देश में इसके खिलाफ ज्ञापन दिया और इसे वापस लेने की मांग की। संगठन का कहना है कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के अस्तित्व के लिए खतरा हैं, क्योंकि सरकार इनके जरिए आने वाले समय में फसलों की MSP पर खरीद पर बंद करने की तैयारी कर रही है। इस किसान संगठन ने इन अध्यादेशों को असंवैधानिक भी बताया है, क्योंकि कृषि राज्य सरकारों का विषय है, इस पर केंद्र को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय किसान महासंघ ने आज ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राजौरिया जी से। क्या अध्यादेश हैं जिनसे आपत्ति है किसानों को? सर, तीन अध्यादेश अभी केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के समय में जारी किए हैं। उन तीनों में यह है कि सबसे पहला तो यह है कि फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसके तहत किसान का जो माल है मंडियों के बाहर लिया जाएगा, खरीदी की जाएगी, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या करी है सरकार ने कि MSP का कोई उसमें से गारंटी नहीं है। चाहे किसान का माल कोई 100 रुपये क्विंटल ले ले, चाहे 1000 रुपये ले ले, चाहे किसी भी रेट पर ले ले, तो सबसे पहले सरकार को उसमें गारंटी रेट MSP की गारंटी देना चाहिए था, जब भी किसान का माल उचित रेट पर बिक पाएगा। दूसरा, इन्होंने क्या किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में 1955 अधिनियम में बदलाव किया है। उस बदलाव में इन्होंने जो है जो भंडारण की जो सीमा थी उसको ख़त्म कर दिया, कोई कुछ भी कितना भी कर ले रख सकता है। अब उसमें जो छोटे किसान हैं वो अपनी फसल जैसे ही आती है उनको तमाम ऋण चुकाने होते हैं, पेमेंट करने होते हैं किसानों के, मजदूरों के, तो वो अपना भंडारण कैसे कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, तो उनको अपना माल सस्ते में बेचना पड़ेगा, जिसका फ़ायदा सीधा व्यापारियों को और कंपनियों को मिलेगा। तीसरा, इन्होंने जो किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ध्यान दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है विदेशों की नीति है ये, जहाँ पर कि 5,000-10,000 एकड़ में खेतियाँ होती हैं और वहाँ पर जो है खेती एक व्यवसाय है, वहाँ पर खेती जीवन यापन करने का काम नहीं है। भारत में खेती अलग तरीके की, क्योंकि यहाँ पर खेती का अनुपात और जनसंख्या अलग तरीके की है, विदेशों में अलग तरीके की है। इसलिए ये तीनों अध्यादेश जो है किसान विरोधी हैं, इनको वापस किया जाए और किसान और किसान संगठनों से सलाह मशवरा करके सरकार उचित तरीके से इनको दोबारा लागू करे तो बहुत बेहतर होगा, और किसानों को कर्ज मुक्त करने की दिशा में प्रयास करे और सही ज्यादा जारी करे। और क्या मांगे रखी हैं इसके अलावा? हमने जो है डीजल पे अचानक डीजल वृद्धि कर देने से किसानों को बहुत बड़ी जो नुकसान हुआ, उनके माल की ढुलाई, उनके खेत की बुआई जुताई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बिना कोई किसान संगठनों से इन्होंने सलाह लिए बिना अध्यादेश जारी कर दिया, जिससे किसान बहुत पीड़ित है। ये मांगे नहीं मानेंगी तो आगे क्या करेंगे? तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। इनकी मांगे हैं कि किसानों को कर्ज मुक्ति की दिशा में सरकार आगे कदम बढ़ाए, वरना किसान पूरे देश में एक साथ आंदोलन करेंगे। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इन्हीं अध्यादेशों को लेकर पंजाब में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। रविवार को शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि क्या ये सही नहीं है कि 2017 में राज्य सरकार ने APMC कानून में बदलाव किया था, ताकि इन अध्यादेशों में कही गई बातों जैसे निजी यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन और ई व्यापार को उसमें शामिल किया जा सके। इस पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी प्रवक्ता और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा कि अकाली दल केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर बादल की कुर्सी बचाने के लिए BJP का साथ दे रही है। दरअसल एक दिन पहले CM अमरिंदर सिंह ने विपक्ष पर आरोप लगाया था कि वो खेती और किसान विरोधी अध्यादेशों पर केंद्र का साथ देकर किसान समुदाय को बर्बाद कर रही है। अकाली दल फेल ते नखेत लोगों की पार्टी बन के रह गया, और जड़े चंगे चंगे बंदे आ वो अकाली दल नूं छड़ के जा रहे। बई तुसी एक कुर्सी हरसिमरन कौर बादल दल दी बचान वास्ते तुसी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हो। बई तुहाडा बन्ना कुछ नहीं अकाली दल वाले हो, क्योंकि उहदा कारण यह है तुसी जिन्हें मर्जी पैरां ते बह जाओ, मोदी दे अगला समझौता उन्हें अकाली दल नाल नहीं करना। मक्के के गिरते भाव से परेशान किसान इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की लगातार मांग कर रहे हैं। बिहार में मक्का किसानों ने रविवार को मक्के की माला पहनकर प्रदर्शन किया। यहां किसानों ने बिहार किसान मंच की अगुवाई में 25 जून को मक्के का हवन भी किया था।
ये किसान मक्के की MSP पर खरीद सुनिश्चित के अलावा मक्का उत्पादक राज्यों और ज़िलों में मक्का आधारित उद्योग लगाने और मक्का बोर्ड गठित करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के साथ किसानों का कर्ज माफ करने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इस बारे में जब एक महिला ने कांग्रेस छोड़ BJP में शामिल हुए मंत्री तुलसी सिलावट से पूछा तो वो असहज हो गए। दरअसल इंदौर में एक बैठक के दौरान एक महिला ने मंत्री तुलसी सिलावट से पूछा कि जो सिंधिया जी कल तक कर्ज माफी का ट्वीट किया करते थे, आज उसी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। एक अच्छी सरकार को गिराकर कैसा लग रहा है आपको? सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग, अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक BJP में आ गए, कैसा लगा आपको? नहीं, मेरे बीच में तो खैर ठीक है, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी, क्या फील हुआ आपको? हम बात करते हैं किसानों की, तो कुछ दिन पहले तक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ही ट्वीट किया था कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ है, फिर अचानक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोल दिया कि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं भी उनकी एक वोटर हूँ। मैं भाई साहब, मैं 2 मिनट का टाइम है, रुको। ये व्यक्तिगत कार्यक्रम सिर्फ एक विवाद प्रस्तुत का भाई साहब को बुलाया गया। जुलाई में रेगिस्तानी टिड्डियों के हमले का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने भारत समेत 6 देशों को अगले 4 हफ्तों के लिए सतर्क रहने की चेतावनी दी है। इसमें पाकिस्तान, सोमालिया, सूडान, इथियोपिया शामिल हैं। FAO ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा और आजीविका यानी रोजी रोटी के लिए रेगिस्तानी टिड्डियों का ये खतरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बना हुआ है और दक्षिण पूर्व एशिया में लगातार बढ़ रहा है। FAO के मुताबिक बहुत से टिड्डी दल मानसून के पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर आ गए थे, जो हवा के साथ नेपाल तक जा पहुंचे। यही टिड्डी दल राजस्थान वापस लौटेंगे और ईरान पाकिस्तान से आने वाले दूसरे टिड्डी दलों के साथ मिल जाएंगे। इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आने वाले टिड्डी दलों के शामिल होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत पाकिस्तान सीमा पर इन टिड्डियों ने अंडे दे दिए हैं, जिनसे जुलाई में निम्फ यानी छोटी टिड्डियां तैयार हो सकती हैं, जो कि अगस्त तक समर सॉम की पहली पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। टिड्डियों के खतरे को देखते हुए भारत में इनके नियंत्रण के इंतजामों को पुख्ता किया जा रहा है। कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए दमकल की गाड़ियों और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स के अलावा पहली बार हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बेल हेलीकॉप्टर शनिवार से जैसलमेर में टिड्डी नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का छिड़काव कर रहा है। लोकस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से टिड्डियों के बड़े पैमाने पर मारने में सफलता मिल रही है। इस बार सरकार ने संसाधनों में काफ़ी बढ़ोतरी की है और नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें लेके आए हैं टिड्डी नियंत्रण के लिए। और हमारा सरकार का बस एक ही उद्देश्य है कि टिड्डी के जो दल हैं इनको सीमा पर ही ख़त्म कर दिया जाए और ये अन्य जिलों में ना। राजस्थान सरकार ने फसल बीमा योजना को गांव-गांव तक प्रचार करने का प्रयास शुरू किया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने इसके लिए 174 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों को बीमा योजना से अच्छा फायदा मिल रहा है। इस साल केंद्र सरकार ने इसे कर्ज लेने वाले किसानों के लिए स्वैच्छिक करने के साथ साथ कुछ बदलाव भी किए हैं। ये प्रचार गाड़ियां पूरे राजस्थान में घूमकर किसानों को फसल बीमा योजना के सभी पहलुओं की जानकारी देंगी। आपको बता दें कि खरीफ सीजन के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। अगर कोई किसान फसल बीमा नहीं कराना चाहता है तो उसे 8 जुलाई तक संबंधित बैंक को लिखित में ये जानकारी देनी होगी। खरीफ सीजन में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल जैसी फसलों का बीमा होगा। इसके लिए किसानों को सिर्फ 2% प्रीमियम देना होगा। भारत सरकार ने भी गाइडलाइन में जो चेंज किया है उसकी जानकारी किसानों को देने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है पूरे राजस्थान के अंदर। आज ये रथ रवाना किए हैं, इसकी शुरुआत जयपुर से की थी, सब जिलों में रथ रवाना हुए और
8 तारीख को फसल बीमा के बारे में किसान अपनी जानकारी दे, उसे शामिल होना या नहीं होना, 15 जुलाई लास्ट डेट है उसकी। मॉनसून की झमाझम बारिश ने भले ही लोगों को गर्मी से निजात दिलाई हो, लेकिन हरियाणा के शाहबाद में ये किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई। मॉनसून की पहली बारिश से अनाज मंडी में रखी फसल भीग कर बहने लगी। यहाँ पर किसान सूरजमुखी और मक्के की फसल लेकर आए थे, लेकिन शेड के नीचे इन्हें फसल रखने की जगह ही नहीं मिली और बाहर फसलों को बारिश से बचाने का और कोई इंतज़ाम नहीं था। इससे किसानों को जबरदस्त चोट पहुंची है। आरती विशान जी चले जहाँ मैटी वाले कोई अंदर नहीं गेड़ा नहीं मार दौर। तो कितना नुकसान हो गया आपका आज यहाँ पे? आज बहुत नुकसान हो रहा जी, सूरजमुखी सारी बहगा उसमें चली गई गलियों में, सवेर के लग रहे झाड़ू बटड़े करने, झाड़ू मार मार कर। पिछली जो सरकार गई है उसमें जो मंत्री जी ने दबाव बनाकर जो है ये नगर पालिका का नाला बनवा दिया, जिसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा ऊँची उठ गई और पानी की निकासी ना होने के कारण जो है पानी खड़ा हो जाता है मंडी के अंदर, और पानी खड़ा होने से जो है किसानों की फसल की भारी दिक्कतें आ रही हैं और फसल पानी में बह जाती है जब जोर की बारिश पड़ती है। अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद पंजाब के किसानों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। वो पहले की तरह मजदूरों की कमी का सामना कर रहे हैं, इससे धान रोपाई की मजदूरी और ज़्यादा बढ़ गई है। ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किसानों पर दोहरी मार साबित हो रहा है। किसान राज्य और केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। बहुत मुश्किल आई ये सानू, असी लेट भी होए हैं, अजे तक साढ़े खेतों से जोड़ा झोना वा लगन वाला ये बहुत ज़्यादा वड्डी जी ये मुश्किल पैदा हो गई है। सानू परिवार के नाल मेहनत करनी भी जी बहुत ज़्यादा किसान वास्ते दुखदाई है। सेंटर सरकार को चाहिए भी किसानों की बांह फड़नी, ना पंजाब सरकार ने ना केंद्र सरकार ने साड़ी बांह फड़ी, ना साड़ी पैसे पक्षों को मदद की। सारा परिवार साडा आप झोना ला रहा वा, सानू बहुत ज़्यादा लाने दिक्कत आई है, जो कि मैं सिर्फ 10 पैड़ियाँ झोने दी लाउणियां सी ते मेरे 10 तरीक तो ला के अज तुसी वेख लो भी 2 जुलाई आ गई, हाली तक अहीं झोना ला रहे असीं इन्ना ज़्यादा लेट हो गए हाँ। साडा खर्चा वध गया, साडा डीजल का खर्चा बहुत ज़्यादा वध गया, डीजल इन्ना महंगा हो गया भी असीं पाउण तो रातर हो गए, असीं पा नहीं सकते, इस करके असीं बहुत ज़्यादा लेट हो गए हाँ। केवल पंजाब या हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में किसानों को मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे बागवानों को सेब तोड़ने और पैक करने में परेशानी आ सकती है। देखिए शिमला से ये खास रिपोर्ट। शिमला में सेबों को पेड़ों से तोड़ने और पैक करके बाजार भेजने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन इस बार सेब बागवानों को मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे सेब को समय पर तोड़ने और पैक करने में देरी हो सकती है। कोविड-19 की वजह से इंटरनेशनल जो बैरियर हो गए हैं, आप स्टेट टू स्टेट क्रॉस नहीं कर सकते, हर जगह अगर आपको जाना है तो पास बनाना पड़ेंगे और पास भी इजीली आपको अवेलेबल नहीं है कि हर आदमी को दे देगी गवर्नमेंट। तो मेनली जो कंट्री बैरियर है, ना आपके फ्लाइट्स है ना ट्रेन है, जो लेबर है वो कहाँ एक टैक्सी करके बुक करके आएगी, कहाँ 40-50 हज़ार देगी चंडीगढ़ से शिमला आने के लिए, तो ये मेजर प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग की। अभी तो नेपाल से भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ लोग हैं उनसे बात हो रही है, जो जी 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 उनसे बात हो रही है, पर लेबर सोच रही है कि हम जाए तो जाए कैसे। राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ प्रवासी मजदूरों की आवाजाही की छूट दी है। इसके लिए बागवानों, ठेकेदार और कंपनियों को डीएम और एसडीएम से पास बनवाना होगा। कोई भी बाहर से, नेपाल की लेबर हो, बिहार झारखंड की लेबर हो, कहीं से भी बाहर से लेबर लाना चाहता है तो वो हमारे एसडीएम को, हमारे डीसी को अप्लाई करें, उनको परमिट दिया जाएगा और उसके बेस पे वो जो है लेबर को ला सकते हैं और उनको जो है रहने की जो व्यवस्था है जो हमने एसओपी जारी किया है उसके साथ करें और वो पहले दिन से ही कार्य करना आरंभ कर सकते हैं। पास बनवाने की इस छूट के बावजूद सेब बागवानों को लगता है कि उन्हें इस बार नेपाल से आने वाले मजदूर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लोगों को आने से रोका जा रहा है। बंदे आ रहे थे नेपाल से, वो नहीं आ पा रहे, वहाँ बॉर्डर में आना नहीं देते और यहाँ बंदे की कमी है, हमारे भी कोई फसल है ये भी नहीं निकाल पा रहे, इसका बहुत समस्या है जी। क्यों नहीं आने दे रहे, लॉकडाउन है, कर्फ्यू लॉकडाउन है, कर्फ्यू बीमारी से बॉर्डर में आने नहीं देते,
सिर्फ जाने देते आना नहीं देते जी। ट्रांसपोर्टेशन है वो अभी बेटर नहीं है जी जी, परमिशन तो हमारे को मिल नहीं रही है कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर चेंज करिए, उसके बाद आप स्टेट बॉर्डर हर स्टेट की परमिशन लेके आइए। अब नेपाल से यहाँ तक कितनी स्टेट्स आएगी, बस हम यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट, शायद हिमाचल गवर्नमेंट कुछ हमारे प्रति सोचे और कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन दे जिससे कि हमारे को ईजी हो जाए हमारी लेबर्स को वापस लाने के लिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में सावधानी के साथ प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को आसान बनाना जरूरी है ताकि प्रदेश की 4500 करोड़ की सेव इकोनॉमी को मजदूरों की कमी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसानों को बिचौलियों की वजह से अक्सर अपनी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता है। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने रूरल हट्स बनाए हैं। यहां पर किसान अपनी साग सब्जियां लाकर सीधा ग्राहकों को बेच रहे हैं। इससे किसान खुश हैं क्योंकि एक तो उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है, दूसरा बिचौलियों की कमीशन खोरी से भी उन्हें निजात मिल गई है। पहले होती थी यहाँ से डोडा जाओ भद्रवाह जाओ रेट कम मिलता था, कोरोना की वजह से इस साल तो काफ़ी मतलब मंदा काम पड़ा, रेट कोई ज़्यादा आता नहीं, यही 10-15 रुपये 20 रुपये तक इससे ज़्यादा माल चला जाए भद्रवाह तो रेट ही बिल्कुल नहीं, लेने वाला कोई नहीं होता, इसलिए अगर चलो इधर मंडी खुली तो अच्छा काम आएगा, रेट भी आएगा अगर रेट भी जाएगा। आप लोकल किसान हैं? लोकल किसान है, ये माल नहीं बिरडू पुरानी पंचायत के हैं। माल जो है दर बदर हो जाता था, खराब हो जाता था, अगर कहीं लेकर गए तो वो रेट अपना दिखाते थे तो ज़मींदार को कुछ नहीं पड़ता। अच्छा बीच में एक चीज़ और थी कि एजेंट बने हुए थे, वो 15-15, 20-20 रुपए एजेंट ही में खा जाते थे, ज़मींदार को पल्ले नहीं पड़ता था। अब उम्मीद है कि वो एजेंटी नहीं होगी तो जमींदार को फायदा होगा। ये इलाका पूरा जो है वो हमारा हॉर्टिकल्चर के लिए फेमस है, उसी के साथ साथ सब्जी वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए आसपास के इलाके हमारे फेमस है, तो इससे जो है वो डायरेक्टली किसानों को अपना माल जो है वो कंज्यूमर्स को बेचने के लिए हाईवे पे, क्योंकि मंडी स्थित है तो उनको बेचने के लिए इसमें बहुत सारी सहूलियत होगी। और इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।